अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो है करोला XLi। हाइब्रिड गाड़ी है ये। हाइब्रिड गाड़ियाँ वो होती हैं जो फ्यूल कंजप्शन जिनकी बहुत कम एवरेज में होती है। मॉडल की बात की जाए तो ये 2007 के मॉडल है। मैं आपको बताऊँगा कि आप गाड़ी के ऑनर के साथ रब्ता कैसे कर सकते हैं, गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताऊँगा और गाड़ी की प्राइस के बारे में बताऊँगा। टोटल गाड़ी के बारे में मैं आपको डिटेल दूँगा। बहुत अच्छी गाड़ी है ये। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं, हमारा किसी कंपनी या किसी इदारे या ओनर के साथ कोई डायरेक्ट रब्ता नहीं होता। हम सोशल मीडिया से एक ऐड लेते हैं और आपकी आसानी के लिए आप तक पहुंच जाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई गाड़ी ख़रीदा करें, मोहतात होकर ख़रीदा करें और पूरी पूरी अपनी ज़िम्मेदारी पर ख़रीदा करें। पुलिस की वेरीफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट्स की वेरीफ़िकेशन लाजमी किया करें ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल दे देता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आपको इस गाड़ी के बारे में मज़ीद डिटेल दे देता हूँ और गाड़ी की पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो व्यूवर्स, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको गाड़ी की डिटेल दे देता हूँ। यह है करोला XLi 2007 का मॉडल है। अगर मैं इसकी किलोमीटर चलने की बात करूँ तो यह 497,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल चुकी है। कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन वाइज ये गाड़ी यूज़ कंडीशन में मौजूद है, पर गाड़ी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, बेस्ट कंडीशन में ये गाड़ी मौजूद है, उन्होंने ऐसा मेंशन किया है। और आप वीडियो में इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देख सकते हैं, गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ओनर का ये कहना है कि गाड़ी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। फ्यूल कंजप्शन की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पहली बार भी बताया कि ये हाइब्रिड गाड़ी है, CNG पेट्रोल दोनों पे चलती है, लेकिन इसकी फ्यूल एवरेज जो होती है बहुत अच्छी होती है हाइब्रिड गाड़ियों की। इंजन की बात की जाए तो इंजन जो है साउंडलेस इंजन इसमें लगा हुआ है, जिसमें किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। अगर मैं इसकी टायर्स की बात करूं तो इसमें न्यू टायर्स जो हैं लगे हुए हैं, रिम्स भी इसमें न्यू लगी हुई हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन इसकी बेस्ट कंडीशन में मौजूद है। गाड़ी ने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया छोटा बड़ा, ओनर ने ऐसा मेंशन किया है। इनसाइड की बात की जाए तो इनसाइड टोटल जेन्युइन है। अगर आउटसाइड की बात की जाए तो वो दिखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन माइनर से टचअप्स लगे हुए हैं। अगर इसकी सील टू सील बात की जाए तो ओनर ने कहा है कि गाड़ी सील टू सील की गारंटी है। गाड़ी ओनर ने ऐसा मेंशन किया है कि गाड़ी की सील टू सील जो है वो गारंटी है। अगर टोकन की पेड करने की बात की जाए तो टोकन जो पेड है वो जून 2021 तक इसका पेड है। स्मार्ट कार्ड जो है ओनर के पास अवेलेबल है। अगर इसकी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनर के पास अवेलेबल हैं। व्यूवर्स, कलर की बात की जाए तो ये गाड़ी वाइट कलर में मौजूद है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ये गाड़ी लाहौर से रजिस्टर है। लोकेशन की बात की जाए तो ये गाड़ी सवाबी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अगर इसकी डिमांड की बात की जाए तो 12,50,000 ओनर ने डिमांड की। अगर आप बात करेंगे तो कमी पेशी ज़रूर हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर आप ओनर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो ओनर के साथ कांटेक्ट करने का तरीका ये है। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं वाइट कलर का, उस पर क्लिक करें। नीचे ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा और कॉन्टैक्ट लिंक भी आ जाएगी, वहाँ से जाकर आप ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गाड़ी के बारे में मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं और अपनी डिमांड से आगाह कर सकते हैं। व्यूवर्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं जो भी कार से रिलेटेड न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।